जय श्री राम भक्तो भक्तो, काफी कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि इस बार रक्षाबंधन 11 को मनाई जाएगी या 12 को। देखो, वैसे तो रक्षाबंधन 11 अगस्त की ही है, लेकिन भद्रा पड़ने के कारण लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि राखी कब बांधें। भद्रा 11 अगस्त को सुबह से लेकर रात को 8:51 तक है, और रात को हिंदू धर्म में कभी भी राखी नहीं बांधी जाती। तो कुछ ज्योतिषों का ये मानना है कि राखी सुबह अगले दिन यानी कि 12 अगस्त को 7:05 तक ही बांधी जा सकती है, क्योंकि उस समय पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो जाएगी 7:05 पर। अब आप जैसा कर सकते हैं, 11 को नहीं तो 12 को सुबह अगर बांधेंगे तो 7:05 से पहले पहले राखी आप बांध दें। अब हम बात करेंगे कि एक बहुत ही अच्छा मंत्र है जो कि राखी बांधते समय हर बहन को बोलना चाहिए, क्योंकि हर बहन ये चाहती है कि उसके भाई के जीवन में सुख शांति हो, खुशहाली हो, समृद्धि हो, ऐश्वर्य शोहरत मिले, भाई की लंबी उम्र हो। तो आप ये छोटा सा मंत्र बोलें और कुछ ध्यान रखें दिशा का, तो आपके आपके जीवन में भी और आपके भाई के जीवन में भी हमेशा हमेशा के लिए सुख समृद्धि संपन्नता आएगी, खुशहाली आएगी, जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। आपको क्या करना है, नहा धो करके राखी बांधनी है अपने भाई के, और जब भी आप राखी बांधें तो इस बात का ध्यान रखना है कि भाई को पूर्व की तरफ मुख होना चाहिए, भाई का पूर्व दिशा की ओर बिठाएं भाई को, और बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। जैसे भाई बैठे, भाई का मुंह पूर्व में और आप अपने भाई के सामने बैठेंगे तो आपका मुख पश्चिम में होगा। भाई के माथे पर टीका लगाकर दाहिने हाथ पर रक्षा सूत्र यानी कि आपने राखी बांधनी है, और शास्त्र कहते हैं कि रक्षा सूत्र बांधते समय आपको इस मंत्र का एक बार जप करना है, और 3 बार चाहे तो 3 बार कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल है, तेन त्वाम प्रति बदनामी रक्ष माचल माचला है। बस इतना सा मंत्र बोल के और मन में अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करें, उसके बाद अपने भाई की आरती उतारें, फिर उन्हें मिठाई खिलाएं। अगर आप बड़ी हैं तो अपने भाई को आशीर्वाद दें, और अपने भाई से छोटी हैं तो भाई को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। तो आपके जीवन में और आपके भाई के जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूरतमंदों के पास शेयर करें। जय श्री राम भक्तों।